हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ये सुंदर सा एक हैंडबैग बनाना। यहाँ पर मैंने ओल्ड कुर्ती का यूज़ किया है, लेकिन अगर आप न्यू फैब्रिक लेते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम आधा मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। लेकिन आधा मीटर फैब्रिक कोई शॉप वाला नहीं देता है, तो आप पूरा एक मीटर ही लेंगे। तो देखिए, इसकी जो लेंथ है वो है 26 इंच और ब्रेथ है 11.5 इंच। तो सबसे पहले हमने लिया फैब्रिक, उसके बाद हम लेंगे ये फ्लोर बैग और उसके ऊपर रखेंगे हम लाइनिंग। तो जो लाइनिंग है, इसमें भी जो बीच का पीस है वो 13 इंच लेंथ का है और वेट उसकी थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि जब हम क्विल्टिंग करते हैं तो थोड़ा हमें इधर उधर ये कपड़ा हो जाता है। तो अब हम इसकी क्विल्टिंग कर लेंगे प्रिंट के अकॉर्डिंग, या जैसा भी आप क्विल्टिंग करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्विल्ट कर लीजिए। तो ये देखिए, हमने क्विल्टिंग करके इस पीस को तैयार कर लिया है। अब हम इसके कॉर्नर की कटिंग करेंगे। कॉर्नर की कटिंग आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको, देखिए हमने एक पेपर लिया, पेपर से हमने 1.5 इंच कॉर्नर से अबव और 1.5 इंच लेफ्ट हैंड की तरफ मार्क लगा लिया है और इन दोनों मार्क को मैंने गोलाई में मिला लिया है ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पेपर पर मार्क लगाने से ये होता है कि जो चारों कॉर्नर है वो इवन आएंगे। इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसी पेपर को हम इस क्विल्टिंग पीस के चारों कॉर्नर पर रख कर कटिंग कर लेंगे, तो शेप जो है एक बराबर की आ जाएगी चारों तरफ। तो देखिए, कॉर्नर की कटिंग भी हमने कर ली है। अब हम इसके रॉन्ग साइड पर, ये मैंने स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप है जो कि 1.5 इंच चौड़ाई की है, इस तरीके से हमें रखना है रॉन्ग साइड पे किनारों पर और स्टिच कर लेना है। जहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे वहीं पर हमें एंड करना है स्ट्रिप का। अगर आपको इससे कॉर्नर बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उरेब स्ट्रिप भी ले सकते हैं सेम साइज़ की। अब हम स्ट्रिप को टर्न करके सीधी साइड यानी कि राइट साइड पे लेके आएंगे बैग के, और इसके किनारे अंदर को टर्न करके इस पर स्टिच लगा लेंगे और इसकी फिनिशिंग कर देंगे। तो देखिए, किनारों की फिनिशिंग मैंने कर दी। अब हम साइड के लिए ये क्विल्टिंग पीस हमने बना लिए हैं ऑलरेडी। लेंथ इनकी है 7.5 इंच और ब्रेथ इसकी है 5.5 इंच। तो इन पर भी हम इस रेड स्ट्रिप को लेकर रॉन्ग साइड पे पहले स्टिच कर लेंगे यहाँ पर, और दूसरे इधर जैसे हमने यहाँ पे किया। तो देखिए, अब हम इस स्ट्रिप को टर्न करके सीधी तरफ लेके आएंगे और इसके किनारों को स्टिच कर लेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखिए, हमने इन दोनों पीसेस के किनारों की भी फिनिशिंग कर दी है। अब इन्हें हम अलग रखते हैं। अब बैग का हम हैंडल बनाने के लिए एक ये पेपर ले लेंगे, जिसे हमने, देखिए, एक फोल्ड किया फिर एक फोल्ड और कर लिया है और यहाँ से देखिए हम लेंगे 1.5 इंच
ऊपर की साइड, और इस मेजरिंग टेप के चौड़ाई के बराबर ही मैंने हैंडल की चौड़ाई ले ली है और यूं गोल मिला लेना है। और इसके बाद देखिए 6 पॉइंट चौड़ा है ये मेजरिंग टेप, तो इसी की चौड़ाई के बराबर मैं इसका बाहरी हिस्सा भी ड्रॉ कर रही हूँ। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सेम इतने ही साइज़ के हमें दो पेपर पेस्टिंग के पीस कटिंग कर लेने हैं जितना मैं ये पेपर काट रही हूँ। आपके पास अगर पेपर पेस्टिंग नहीं है तो बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इतना हमें साइज़ काट लेना है। तो ये देखिए हमने ये सेम साइज़ की पेपर पेस्टिंग कटिंग कर ली है। अब हम इसे आयरन की हेल्प से इस फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। जो पेपर पेस्टिंग होती है इसकी एक साइड चिकनी होती है, उसे हम फैब्रिक की तरफ रखेंगे और गरम आयरन से इसे पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक पर। तो देखिए अब हम इससे बैग को लेंगे और इसका रॉन्ग साइड की तरफ से सेंटर निकाल लेंगे। दोनों तरफ एकदम बराबर मिलाना है और सेंटर पे हमें चॉक से मार्क लगा लेना है ऐसे, ठीक है। ये हमने रख लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो पेपर पेस्टिंग है इसका भी सेंटर निकाल लेना है, और बैक का सेंटर और इस पेपर पेस्टिंग का सेंटर आपस में ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम इस पेपर पेस्टिंग को देखिए इस तरीके से रखेंगे सेंटर पे बैक के, ऐसे रख लीजिएगा आप। और देखिए जो रेड हमने स्ट्रिप लगाई है उसके 1.5 इंच तक ये पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बराबर रखना है हमें। और यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमें रखना है इस तरीके से। इसका भी पहले सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद देखिए यहाँ से 1.5 इंच नीचे ये पॉइंट आना चाहिए हमारा, और इस पर हमें स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर ली है। अब हम इसके होल की कटिंग कर लेंगे। दो दो पॉइंट का मार्जिन रखने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हमें कटिंग कर लेनी है। और छोटे छोटे गोलाई में कट जरूर लगाने हैं। कट लगाने के बाद हम इसको टर्न करके सीधी साइड को लेके आएंगे और एकदम इसके किनारे पर हमें एक स्टिच लगा लेनी है, इधर भी और पेपर पेस्टिंग के इस वाले किनारे पर भी। तो ये देखिए हमने हैंडल तो स्टिच कर लिए। अब हम इस तरीके से रॉन्ग साइड पर सेंटर मार्क लगाएंगे दोनों तरफ, और इस तरीके से हमें रखना है इसे। साइड वाली स्ट्रिप का भी हमें सेंटर निकाल लेना है जैसा कि मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। अब हमें कैसे रखना है इसे, देखिए बैक का सेंटर और साइड स्ट्रिप का सेंटर आपस में मिला लीजिएगा। यहाँ तक स्टिच करते हुए आना है आपको और फिर यहाँ तक। याद रखिएगा जो रेड स्ट्रिप है उसके ऊपर ये स्टिच नहीं आनी चाहिए, ठीक। इसी तरीके से दूसरी साइड का भी हम सेंटर निकालेंगे बैक के सेंटर के साथ। साइड का सेंटर मैच होना चाहिए। यहाँ पर पहले हम स्टिच करते हुए सेंटर से ही हमें करना है यहाँ तक और फिर ऊपर तक। तो देखिए एक साइड तो मैंने बैक के साथ साइड वाला स्ट्रिप स्टिच कर लिया है। अब हम दूसरी साइड पर भी स्टिच करेंगे, लेकिन अंदर से सीविंग मशीन से स्टिच नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, इस साइड वाली स्ट्रिप का बेस
जो किनारा है उसे थोड़ा सा अंदर को टर्न करना है और यहाँ पर ऊपर से स्टिच लगाना है। आराम से स्टिच हो जाएगा क्योंकि मैंने इस बैग पर ऊपर से ही स्टिच लगाया इस वाले हिस्से पे, तो ऐसे हमें स्टिच कर लेना है यहाँ तक। ठीक इसी तरीके से ये दूसरी साइड भी पहले हम किनारे को देखिए अंदर से को टर्न कर लेंगे, तो ऊपर से हमें यहाँ पे स्टिच करेंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर ये वाला हिस्सा भी स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दोनों किनारों की फिनिशिंग कर दी है। अब हम ये मैंने एक डोरी ली है जो कि स्ट्रेट कपड़े से मैंने बनाई है, 6 इंच लेंथ है इसकी, और इसको हमें यहाँ पर हाथ की सुई की हेल्प से अटैच कर लेना है एकदम सेंटर पे। तो ये देखिए हमने सामने की तरफ एक बटन भी लगा लिया है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी शेयर कर दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा। और सबसे लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।